हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे हम एक क्लाउड फंक्शन को बकेट के थ्रू ट्रिगर करवाते हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे क्लाउड फंक्शन को मल्टीपल वे से ट्रिगर करवा सकते हैं राइट right, ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा है मैंने तीन चार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड चेकआउट दस वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो सो सो विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ टू क्रिएट क्लाउड फंक्शन

पर्टिकुलर बकेट होगा उस बकेट में अगर कुछ डालेंगे तो ये क्लाउड फंक्शन ट्रिगर होगा राइट एंड थर्ड वन इज वी विल टेस्ट इट बाय ड्रॉपिंग सम फाइल इन योर दैट पर्टिकुलर क्लाउड बकेट राइट तो चलिए शुरू करते हैं तो हम आ चुके हैं अपने gcp प्लेटफॉर्म के होम पेज पे वहां पे आपको अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा मैंने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है एटीएस ट्यूटोरियल जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में बनाया हुआ था ओके okay? उसके बाद सीधे आपको सबसे पहले क्या बनाना है हम लोग को एक बकेट बनाना है बकेट बनाने के लिए मतलब क्लाउड स्टोरेज बनाना है तो वो हमें कहाँ से मिलेगा आदर वी हैव टू सर्च स्टोरेज हियर एंड यू विल गेट दिस ऑप्शन क्लाउड स्टोरेज और बकेट और डायरेक्टली यू विल हैव एन ऑप्शन हियर टू क्रिएट अ स्टोरेज बकेट सो एनी वे यू कैन गो देयर सो आई विल जस्ट क्लिक ओवर दिस वन क्लिक अ स्टोरेज बकेट इसके बाद क्या होगा कि आपको एक इंटरफेस देगा जहाँ आप अपना बकेट का नाम डालिएगा एंड देन रीजन सेलेक्ट कीजिएगा एनी अदर पैरामीटर एज वेल इज गिवन एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड इट विल बी क्रिएटेड राइट सो जल्दी से हम अपना बकेट का नाम डाल रहे हैं जो कि होगा ए टी एस स्टोरेज राइट एंड देन आई विल बी ऑल्सो सेलेक्टिंग रीजन फॉर दैट

बकेट में जो भी डेटा ड्रॉप हो उससे हमारा एक क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हो तो क्लाउड फंक्शन तो हमने अभी बनाया नहीं चलिए उसको बनाते हैं पहले तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने मैंने एक दूसरा टैब ओपन कर लिया है इस टैब में हम क्या करेंगे कि अपना क्लाउड फंक्शन बनाएंगे सो लेट इट बी देयर इन नाउ आई विल ओपन ए क्लाउड फंक्शन सो क्लाउड फंक्शन सो ये लास्ट टाइम मैंने एक क्लाउड फंक्शन बनाया था बट मैंने डिलीट कर दिया है जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यदि आप लर्न कर रहे हैं तो जो भी रिसोर्सेज बनाइए उसको पढ़ने के बाद उसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये जितना यूज होगा उतना उसका चार्ज जोड़ता है राइट सो पेपर यूज रहता है कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म तो मैंने डिलीट कर दिया फिर से क्लियर हम लोग बनाएंगे एक क्लाउड फंक्शन या सो यू हर जस्ट क्लिक ओवर दैट क्रिएट फंक्शन एंड देन सिंपली वी हैव टू फील सम पैरामीटर लाइक दिस वन इज़ लाइक सी एफ बकेट ट्रिगर I am just keeping the uh, name of that cloud function, and main part is here trigger. So trigger हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि एस टी टी ट्रिगर कैसे करते हैं बट इस ट्यूटोरियल में हमें क्या करना है हमें ट्रिगर करवाना है इस बकेट क्लाउड फंक्शन को स्टोरेज के थ्रू तो हम यहाँ पर स्टोरेज सिलेक्ट कर लेंगे एंड ये जो है इवेंट टाइप इवेंट टाइप ये अपने आप सेलेक्ट हो गया है कि स्टोरेज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट वी वन फाइनलाइज करके ये स्टोरेज यहाँ पे रहना चाहिए राइट right? यदि ये इनेबल नहीं रहता तो यहाँ पे एक आपको एक विंडोज़ आता है उसको इनेबल करने के लिए राइट right? और उसको आपको इनेबल करना होता है बट इन माई केस इट्स ऑलरेडी इनेबल्ड तो ये आपको चुपचाप चुप यहाँ पर सेलेक्ट करके दे दिया और शायद आप जब इसको डिप्लॉय करेंगे क्रिएट करेंगे तो आपको इनेबल करने का ऑप्शन मांगेगा तो सिंपली आपको यहाँ पे आपको अपना बकेट सेलेक्ट कर लेना है इन माई केस दिस इज़ एटीएस स्टोरेज ओनली सो आई हैव जस्ट सेलेक्टेड इट एंड नथिंग वी विल कीप एविथिंग एज इट इज बिकॉज वी डोंट हैव much work to do here हम लोग को बस टेस्ट करना है कि क्लाउड फंक्शन कैसे ट्रिगर करता है बकेट के थ्रू सिंपली तो इसको जाएंगे नेक्स्ट करेंगे और वी कैन गो टू द सेकेंड टैब दैट इज कोड आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने सेलेक्ट किया है बकेट uh, ट्रिगर यह हमारा जो बाय डिफॉल्ट कोड जनरेशन है हम यहाँ पे पाइथन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले डिफ़ॉल्ट जो कोड जनरेट करके दे रहा है वो सब कुछ यहाँ पर आपको दे दे रहा है कि कैसे आपको इवेंट मिलेगा क्लाउड स्टोरेज uh, का उसका आईडी टाइप बकेट का नाम राइट right, और उसका मेटा डेटा कुछ किस टाइम को अपडेट हुआ वो सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा एंड देन यू कैन यूज़ दैट बकेट हीयर टू डू एनी बकेट फाइल हेयर बेसिकली सपोज ये जो है ना बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा इंजीनियर के द्वारा मैं इसको डिस्कस करूंगा फंक्शन के रेडी हो चुका है और आप लॉग में चेक कर सकते हैं ओके सो इट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड इट ज के आठ मिनट में ये डिप्लॉय हो चुका है राइट right? तो इसके बाद हमें क्या करना, इसको करना है लॉग बेसिकली so जो भी आपने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कोड में लॉग में प्रिंट होगा इवेंट आई डी टाइप बकेट फाइल राइट वो सारा, right? सारा चीज वहाँ पे प्रिंट करेगा इसका मतलब हुआ कि हमारा क्लाउड फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है ओके okay? तो आपको जाना है इस बकेट में और यहाँ पे हमारा बकेट जो है ए टी एस स्टोरेज उसको ओपन कर लेना है एंड इन इन दिस बकेट हमको एक फाइल अपलोड करना है वो फाइल अपलोड कहाँ से मिलेगा आपको आपके लोकल सिस्टम से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं राइट तो हमने क्या किया है कि इधर आपको मैंने एक सी एस बी फाइल सैम्पल फाइल यहाँ पर रखा हुआ है उसको हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे वेरी

वेन वी ड्रॉप दिस फाइल तो हमारा क्लाउड फंक्शन ट्रिगर हुआ कि नहीं तो चलिए चलते हैं क्लाउड फंक्शन में और इसके लॉग में चेक करते हैं कि हमें वो ट्रिगर हुआ है कि नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी जस्ट आठ बज के दस मिनट में हमने ये ड्रॉप किया ये वाला इवेंट ट्रिगर हुआ ये बकेट में ट्रिगर हुआ बकेट से ट्रिगर हुआ और हमारा फाइल का नाम जो है सैम्पल डॉट सी है ओके और इस डेट में ट्रिगर हुआ ओके तो ये 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 जो आपको दिख रहा है 4812 ये हमारा आ, क्या बोलते हैं इसका सर्वर टाइमिंग दे रहा है वो अपना ओके okay? ये हमारा लोकल सिस्टम का टाइम नहीं है बट इसका सर्वर यूएस सेंट्रल 1 में जो टाइमिंग होगा अभी वो टाइम यहां पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ओके okay? तो इस तरह से हम देख लिए कि हमारा क्लाउड फंक्शन कैसे एक बकेट से ट्रिगर होगा कैसे ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जब कुछ आप ऑटोमेशन कीजिएगा पाइथन के थ्रू सपोज आप एक पाइपलाइन बना रहे हैं जहाँ से आपको एक फाइल ड्रॉप करना है एंड उस फाइल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड फिर उस फाइल को आपको कहीं और सेव करना है किसी डेटा में या कहीं और दूसरे पकेट में देन दिस दिस पर्टिकुलर चैन विल बी यूजफुल मैनी टाइम्स सो ये एक पाइपलाइन जैसा आपको बनाना चाहता है तो डेटा इंजीनियर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मैं खुद इसको बहुत यूज़ करता हूँ सी एस बी फाइल को ड्रॉप करना फिर उसके उसके ऊपर कुछ क्लीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करना एंड देन यू हैव टू ट्रांसफर दैट फाइल इनटू समथिंग एल्स एंड यू हैव टू अपलोड दैट फाइल टू सम अदर पकेट तो वो सारा सिनेरियो आपको अपने प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा जब आप आ, वो काम कीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आगे आने वाले वीडियोज में मैं इसमें और ज़्यादा एक पाइपलाइन बना के क्रिएट करूँगा कैसे आप सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कैसे क्लाउड फंक्शन बकेट एंड ऑल द अदर रिसोर्सेज लाइक पपसब एंड फायर स्टोर एंड बिग क्वेरी वो कैसे सबका यूज़ करेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे